नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। 31 अगस्त 2020 को एमएलए बी नारायण राव में कोरोना इन्फेक्शन होने से बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कल रात से इनकी बीपी लो और लंग्स इन्फेक्शन की वजह से इनकी तबीयत चिंताजनक बताई जा रही है। चौकलन में एमएलए बी नारायण राव की मरने की झूठी खबर फैलाई जा रही है, जबकि इनकी तबीयत गंभीर है। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चला। बाल्की एमएलए ईश्वर खंडे ने मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश से वीडियो कॉल पर बात करते हुए एमएलए बी नारायण राव की सेहत के बारे में बात की और कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि वो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर महेश, जो कि बसव कल्याण के एमएलए बी नारायण राव का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनकी हालत काफ़ी चिंताजनक है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस तरह से डॉक्टर महेश ने ईश्वर खंडे एमएलए भालकी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए बताया। ओके, जस्ट ऑक्सीजन इज रिक्वायरमेंट इज एवर अगेन 100% रिक्वायर। ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಏನು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮೆರಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಇವಾಗ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ ಈಗ ಇದು ನಿನ್ನೇನೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಡಿಟೀರಿಯರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಯ್ತು ಇದು? ಓಕೆ, ಓಹೋ ಹೋ